और क्या 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे? क्या भारत में अब 5 वर्षों में 2 चरण में ही चुनाव होंगे? क्या अब एक बार लोकसभा और विधानसभा और दूसरी बार स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे? ये 3 प्रमुख सवाल इसलिए क्योंकि भारत के चुनावी लोकतंत्र में बहुत बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है। इसी पर आज सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक ज्ञान वर्धक कुंजी तैयार की है जो आपको एक देश एक कानून पर जानकारी देगी। 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक देश एक कानून पर 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। आज इस कमेटी ने इस विषय पर 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें हैं जिसमें प्रमुख रूप से 5 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली, 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। दूसरी, इस चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव भी करा लिए जाएं। तीसरी, पूरे देश के लिए एकल मतदाता सूची और वोटर आई कार्ड तैयार करने की सिफारिश की गई है। चौथा, 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले सरकार गिरने पर बाकी बचे कार्यकाल के लिए ही चुनाव हों। पांचवा, इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन किए जाएं। अब सवाल है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी ने जो सिफारिश की है उसे लागू कैसे किया जाएगा? सबसे पहले बड़ी सिफारिश है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। सवाल यह कि इस सिफारिश को लागू करने के लिए किसके कार्यकाल को मानक माना जाएगा? जवाब है, लोकसभा के कार्यकाल को मानक माना जाएगा, यानी लोकसभा कार्यकाल से ही विधानसभा का कार्यकाल तय होगा। अगला सवाल, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग वक्त पर खत्म हो रहा है तो उसे कैसे समायोजित किया जाएगा? कोविंद कमेटी ने इसके लिए एक कार्यान्वयन समूह बनाने की सिफारिश की है। कार्यान्वयन समूह एक फॉर्मूला निकालकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की कोशिश करेगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर समूह यह तय करेगा कि किन राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को कम किया जाएगा और किन राज्यों के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। अब सवाल यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए क्या संविधान में संशोधन भी करना होगा? इसका जवाब है, हां बिल्कुल करना होगा। कोविंद कमेटी ने कम से कम 6 संविधान संशोधन की जरूरत बताई है। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 356 और 324A में संशोधन करना जरूरी होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी के 8 सदस्यों ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन सवाल यह कि आगे अब क्या होगा? सबसे पहले कानून मंत्रालय रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। समीक्षा के बाद नई सिफारिशों के साथ इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की सहमति और विधि मंत्रालय की सिफारिश से संविधान संशोधन की रूपरेखा तय होगी। बदलावों को संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से भी इसको पारित कराया जाएगा और उसके लिए सिफारिश की जाएगी। इसके बाद 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सुनिश्चित किए जा सकेंगे। हालांकि अभी सिर्फ एक रिपोर्ट दी गई है, इस पर एक्शन होने में बहुत समय है, लेकिन इससे पहले पार्टी लाइन पर इसका समर्थन और विरोध शुरू हो गया। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी समिति का एक रिपोर्ट दिया है कि देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को भारी फायदा होने वाला है। तमाम एक तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है या धन ज़्यादा खर्चा होता है समय समय पर इलेक्शन पर, वो तो बचेगा ही, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस विकास को भी गति मिलेगी। वैसे तो भारत में आजादी के बाद 20 वर्षों तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे।
आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। इसके बाद 1957, 62 और 67 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए गए। हालांकि जुलाई 1959 में इसमें सिर्फ एक राज्य में ब्रेक लगा था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल के कम्युनिस्ट ईएमएस नंबूदारीपाद की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके कारण वहां फरवरी 1960 में फिर से चुनाव हुए और नई सरकार बनी थी। लेकिन केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते रहे। फिर 1968 और 1969 में कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग कर दी गई और इस तरह से 7 चुनाव कराए जाने का यह सिलसिला टूट गया। एक देश एक चुनाव के समर्थन और विरोध दोनों में तर्क है। समर्थन करने वाले इसका फायदा गिनाते हैं। उनके मुताबिक इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव के कारण विकास के काम प्रभावित होते हैं। बार बार चुनाव नहीं होंगे तो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और काम नहीं रुकेगा, यह भी दावा किया जाता है। इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। वैसे भारत में चुनाव एक खर्चीला कार्यक्रम होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1951-52 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस खर्च में चुनाव आयोग और उम्मीदवारों का खर्चा भी शामिल है। इस खर्च पर लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4,500 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। ये खर्चा ईवीएम की खरीद पर होगा। 2024 में एक साथ चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा और लंबे समय में इसका फायदा होगा। एक सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार और चुनाव आयोग करता है, 40% अकेले उम्मीदवार करता है, 35% राजनीतिक दल करते हैं, 10% अन्य खर्चे होते हैं। एक साथ चुनाव कराने की मांग करने वालों का तर्क है कि इस खर्च को कम किया जा सकता है। वैसे एक वर्ग ऐसा भी है जो यह मानता है कि एक साथ चुनाव कराना सही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। इससे केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को चुनावी फायदा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने पर सरकार निरंकुश हो सकती है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को यह डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। बार बार चुनाव होने पर सरकार जनभावना की अनदेखी नहीं कर पाती है। बार बार चुनाव से नेताओं को जनता के बीच जाना होता है और जवाब भी देना होता है। एक साथ चुनाव कराने में एक दिक्कत यह भी है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग की गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए ही बड़ा था। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैसे टाइमिंग को मैच किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक साथ चुनाव का आइडिया सही नहीं है। वैसे भारत में मुख्य रूप से 4 तरीके के चुनाव होते हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव सबसे लंबा वक्त लेता है। पिछले 2 चुनावों को देखें तो करीब 3-4 महीने ना तो केंद्र सरकार कोई काम कर पाती है ना ही कोई राज्य सरकार, क्योंकि उस दौरान नीतिगत फैसले लेने पर पाबंदी लगी होती है। दूसरा मुख्य चुनाव विधानसभा चुनाव है। राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होता है तो आचार संहिता होती है, कम से कम 2 से 3 महीने इससे काम प्रभावित रहता है। इसके अलावा नगर निकाय और पंचायत चुनाव होते हैं, इसमें भी करीब 1 महीने तक आचार संहिता लगी रहती है। इसके अलावा अलग अलग चुनाव होने से बार बार चुनावी की ड्यूटियां लगती हैं, स्कूल बंद होते हैं, कई व्यवस्थाओं पर भी असर होता है। वैसे दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां एक साथ ही सारे चुनाव कराए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संसद, विधानसभा और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में हर 4 साल में सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं। बेल्जियम में 5 तरीके के चुनाव होते हैं, लेकिन सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव और लेजिस्लेटिव चुनाव साथ में कराए जाते हैं। इसके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव कराए जाते हैं। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां एक साथ चुनाव होते हैं। भारत भी इसी तरफ बढ़ रहा है। सितंबर में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 8 सदस्यों की कमेटी ने 191 दिनों का
का वक्त लिया और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी की, 47 राजनीतिक दलों से बात की, उनकी राय ली। इनमें से 32 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में और 15 राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में बात रखी। हालांकि आगे इसमें क्या होगा, इसके लिए कम से कम लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा।